लाइसोसोम ना सिर्फ सेल के अंदर डाइजेशन का प्रोसेस परफॉर्म करते हैं बल्कि सेल के बाहर भी डाइजेशन का प्रोसेस परफॉर्म करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। सबसे पहले हम बात करें इसके फंक्शन की तो एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन है। डाइजेशन ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स इज़ अ टू वे प्रोसेस, बोथ एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रा सेलुलर डाइजेशन। जो एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन है, जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स जो बाहर के जो भी सब्सटेंसेज हैं अगर उनको डाइजेस्ट करना है लाइसोसोम ने, तो वो ये प्रोसेस जो है फिर वो दो सीरीज़ में जो है वो कंप्लीट होगा। सबसे पहले एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होगी और एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होने के बाद उस प्रोडक्ट को एंडोसाइटोसिस के ज़रिए इंट्रा सेलुलर डाइजेशन के प्रोसेस से गुजारा जाएगा। अब इसमें क्या डिस्क्रिप्शन है, द प्राइमरी लाइसोसोम सीक्रेट हाइड्रोलेजेस इनटू द एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स बाय एक्सोसाइटोसिस। जो प्राइमरी लाइसोसोम होता है जो गॉल्जी अपैरेटस से बर्ड ऑफ होता है वो सीक्रेट करता है हाइड्रोलेज एंजाइम। हाइड्रोलेजेस एंजाइम वो सीक्रेट करता है और वो हाइड्रोलेजेस एंजाइम जो है वो सेल से बाहर एक्सोसाइटोसिस के ज़रिए रिलीज होता है। जब ये हाइड्रोलेजेस एंजाइम एक्सोसाइटोसिस के ज़रिए सेल से बाहर रिलीज़ होता है तो सेल से बाहर जो भी एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है उसको डाइजेस्ट करता है, रिजल्टिंग इन पार्शियल डिग्रेडेशन ऑफ द मैट्रिक्स। जब सेल प्राइमरी लाइसोसोम से हाइड्रोलेजेस एंजाइम बाहर सीक्रेट होगा तो जो भी एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है या एक्स्ट्रा सेलुलर फूड है या एक्स्ट्रा सेलुलर पार्टिकल्स हैं उनकी कम्प्लीटली डिग्रेडेशन नहीं होगी, उनकी पार्शियली डिग्रेडेशन होगी। अब ये पार्शियली डिग्रेडेशन होने के बाद जो इनकम्प्लीट प्रोडक्ट्स हैं जो सेल से बाहर मौजूद हैं, जो इनकम्प्लीट डाइजेस्ट हुई हैं विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोलिसिस एंजाइम, वो सेल के अंदर एंडोसाइटोसिस के ज़रिए एंटर होंगी और फिर एंटर होने के बाद वो प्राइमरी लाइसोसोम से अटैच होकर डाइजेस्ट आउट हो जाएंगी। द इनकम्प्लीट प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन आर एब्जॉर्ब इन टू द सेल बाई एंडोसाइटोसिस। जो इनकम्प्लीट प्रोडक्ट्स थी जिनको हाइड्रोलिसिस एंजाइम ने डाइजेस्ट कर लिया था वो एंडोसाइटोसिस के ज़रिए सेल के अंदर जो है वो आ जाएंगी। डाइजेशन इज़ देन कम्प्लीट इन द सेकेंडरी लाइसोसोम, और फिर इस तरह से डाइजेशन जो है वो कम्प्लीट हो जाएगी क्योंकि जो इनकम्प्लीट प्रोडक्ट्स हैं वो प्राइमरी लाइसोसोम से अटैच होने के बाद उसे सेकेंडरी लाइसोसोम में कन्वर्ट कर देंगी। जब भी यहाँ पे इन्होंने डिस्क्रिप्शन में लिखा है कि डाइजेशन इज़ देन कम्प्लीट इन द सेकेंडरी लाइसोसोम। एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन टेक प्लेस ड्यूरिंग बोन इरोजन प्रोसेस। एक्स्ट्रा सेलुलर जो डाइजेशन है वो ज़्यादातर जब बोन इरोजन प्रोसेस हो रहा होता है, बोन की इरोजन हो रही होती है, तो कुछ जो बोन इरोजन के कुछ सब्सटेंसेज हैं वो सेल से बाहर जो हैं वो डाइजेस्ट हो जाते हैं और फिर कुछ जो हैं वो उनको सेल के अंदर लाके डाइजेस्ट किया जाता है। अब यहाँ पे देख लीजिए ऑस्टियोक्लास्ट, ये बोन से रिलेटेड हमारे पास सेल है, ये बोन आपको नज़र आ रही है, ये देखिए बोन नज़र आ रही है, ये बोन है, ये ऑस्टियोक्लास्ट है। इस ऑस्टियोक्लास्ट में यहाँ पे हमारे पास लाइसोसोम है, ये बोन है। अब ये बोन है यहाँ पे, ये देखिए ये मैट्रिक्स है और इस मैट्रिक्स में पहले एक्स्ट्रा सेलुलर जो है वो ये जो बोन है इसमें ये जो हमारे पास सेल है इसमें से हाइड्रोलिसिस एंजाइम जो है वो रिलीज़ होगा और यहाँ पे जो भी ये जो भी प्रोडक्ट है उसको पार्शियली डिग्रेड करेगा। पार्शियली डिग्रेड करने के बाद देखें यहाँ पे एरो के निशान आपको नज़र आ रहे हैं, ये हमारे पास एरो के निशान नज़र आ रहे हैं, ये पहले हाइड्रोलिसिस एंजाइम सीक्रेट होगा एक्स्ट्रा सेलुलर, ये हाइड्रोलिसिस एंजाइम इस लाइसोसोम से, देखें इस लाइसोसोम से एक्सोसाइटोसिस के ज़रिए ये लाइसोसोम जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ अटैच होगा और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ अटैच होने के बाद ये एक्सोसाइटोसिस के ज़रिए यहाँ फ्यूज़ होगा और फ्यूज़ होने के बाद ये बाहर जो है वो इस तरीके से, ये देखिए बाहर इस तरीके से
एंजाइम जो है वो एक्सोसाइटोसिस के ज़रिए रिलीज़ होगा, और रिलीज़ होने के बाद ये यहाँ पे मौजूद जो भी एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल है उसको डाइजेस्ट कर लेगा। डाइजेस्ट होने के बाद ये जो मटेरियल डाइजेस्ट हो जाएगा ये इसके साथ अटैच हो जाएगा। ये जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं ये इस फूड पार्टिकल या जो भी मटेरियल है बोन के जो भी पार्टिकल्स हैं उनके साथ उनको डाइजेस्ट कर लेगा, और डाइजेस्ट करने के बाद ये जो पार्शली डिग्रेड फूड है ये एंडोसाइटोसिस के ज़रिए इसके साथ अटैच होगा, इसकी मेम्ब्रेन के साथ अटैच होगा, और मेम्ब्रेन के साथ अटैच होने के बाद ये इसको इस तरीके से इनगल्फ कर लेगा, और ये फिर ये पार्शली डाइजेस्टेड फूड जो है वो या पार्शली डाइजेस्टेड मैट्रिक्स जो है वो सेल के अंदर दाखिल होने के बाद लाइसोसोम के साथ अटैच हो जाएगा। जब ये प्राइमरी लाइसोसोम के साथ अटैच हो जाएगा तो ये पार्शली डाइजेस्टिव फूड कन्वर्ट हो जाएगा सेकेंडरी लाइसोसोम में, और फिर सेकेंडरी लाइसोसोम इस पार्शली डाइजेस्टेड फूड को डाइजेस्ट करके सेल का हिस्सा बना देगा। तो ये इस तरीके से जो बोन के अंदर डाइजेशन का प्रोसेस हो रहा है वो एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन है, जिसकी मदद से पहले एंजाइम जो है वो हाइड्रोलाइसिस जो है वो एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट में जो है वो एक्सोसाइटोसिस के ज़रिए रिलीज़ होंगे, और रिलीज़ होने के बाद ये जो लाइसोसोम है ये यहाँ पे आके अटैच होगा, और अटैच होने के बाद मेम्ब्रेन फ्यूज़ हो जाएगी, और मेम्ब्रेन फ्यूज़ होने के बाद ये एंजाइम यहाँ पे इसमें आके रिलीज़ हो जाएंगे। अब ये जब एंजाइम यहाँ पे आके रिलीज़ हो जाएंगे तो जो भी यहाँ पे एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है उसके साथ ये अटैच होंगे, और अटैच होने के बाद इसको पार्शली डाइजेस्ट करेंगे। पार्शली डाइजेस्ट करने के बाद ये पार्शली डाइजेस्ट फूड एंडोसाइटोसिस के ज़रिए मेम्ब्रेन के ज़रिए फ्यूज़ होके सेल के अंदर दाखिल होगा, और सेल के अंदर दाखिल होने के बाद ये फिर प्राइमरी लाइसोसोम से अटैच हो जाएगा। प्राइमरी लाइसोसोम से अटैच होने के बाद ये इसको प्राइमरी लाइसोसोम देखें अगर मैं आपको बताऊं, ये प्राइमरी लाइसोसोम पहले से मौजूद है यहाँ पर। अब ये पार्शली डाइजेस्टेड फूड आएगा तो ये इसके साथ इस तरह से अटैच होगा। जब ये इसके साथ इस तरह से अटैच होगा तो मेम्ब्रेन जो है वो बीच में से गायब हो जाएगी, और ये जो पार्शली डाइजेस्टेड फूड है ये डाइजेस्ट हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा।